ये सर रूपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं कि सरसों और रिफाइंड सोया तेल एक रेंज बाउंड में देखने को मिल रहे हैं अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जब से कुछ करेक्शन देखने को मिली है। और बात करें सोयाबीन की, तो वो लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। इस समय सोयाबीन के अंदर 2% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है अक्टूबर वायदे के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन यहाँ से अब 5500-5400 का भी लेवल दिखा पाएगा? देखिए बिल्कुल सोयाबीन में अखिलेश तेजी नहीं है, ना ही रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में तेजी है, एक सरसों में तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है। बाकी किसी भी इन एडिबल ऑयल पैक के अंदर अपसाइड मोमेंटम नहीं है। और अब मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक जो है, अब इसमें जो भी आपको रिकवरी देखने को मिले वहां पर अपना रखा हुआ माल निकालने की कोशिश ही करनी चाहिए, क्योंकि आगे ट्रेंड जो है वो नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई बहुत ज्यादा तेजी की तरफ एडिबल ऑयल पैक नहीं है, तो इसीलिए इसमें बचकर चलें और जो माल रखा है, जो भी आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है, उसमें धीरे धीरे करके एग्जिट करें। एक सरसों एक ऐसी कमोडिटी दिखाई दे रही है जो कि उठ सकती है अभी यहाँ से, वो भी त्योहारी सीजन के चलते एक डिमांड पिकअप हो सकती है सरसों के तेल की, और इस वजह से, और अभी सरसों फिलहाल जो है वो काफी कम देखने को मिल रही है, स्टॉक भी कम है, इस वजह से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज अब कोई लंबी तेजी की तरफ मार्केट नहीं है, वो पहले वाले लेवल्स अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि गिरावट ज्यादा बढ़ सकती है। और सोयाबीन की बात करें तो बिल्कुल 5500 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है जी।